हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ बची हुई सब्जी से बहुत अच्छा नाश्ता और जल्दी फटाफट बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी सब्जी थी जो बच गई है रात की। अगर सब्जी आपकी फ्रिज में रखी है तो आप बना सकते हो कुछ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर फ्रिज में रख रहे हैं तो उसे 4-5 दिन तक यूज़ करो। बस एक दिन यूज़ आप कर सकते हो, उसके बाद नहीं। तो ये मेरी सब्जी रात की थी, तो मैं सुबह इसका नाश्ता बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको क्या करेंगे, ये मेरी आलू और शिमला मिर्च और गाजर की सब्जी है, तो इसे हम मिक्सर के जार पे डाल के अब पीसेंगे, एक पेस्ट बनाएंगे। तो ये हम सारा डाल के, तो ये देखिए पीस लिए हैं। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दो गाजर के पीस बच गए हैं, नहीं हुए हैं, तो ये निकाल दिए मैं। और ये देखिए पूरा पेस्ट हमारा अच्छा सा बन गया है, पीस गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे एक कटोरी पे। तो हमें और कुछ मसाला ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्जी में ऑलरेडी मसाला है, नमक है, सब है। तो अब हम इसका अब दूसरे स्टेप में चलते हैं। तो ये घोल बनाएंगे बेसन का। तो ये मैं बेसन ली हूँ, उसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और ये मैं चिली फ्लेक्स ली हूँ, तो आप इसकी जगह पीसी हुई लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हो। तो ये अजवाइन डालेंगे। अजवाइन तो पता है फ्रेंड्स कितनी अच्छी होती है पेट के लिए अपने, तो ये अजवाइन डालेंगे। और हल्दी हम डाल दिए, और इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, जो जिससे हमारे जो बड़े हैं वो फ्लफी बनेंगे। तो ये मैं आधा चम्मच डाल दी हूँ इसमें। तो अब इसमें हम पानी डाल के एक घोल बनाएंगे, और ज़्यादा पतला नहीं करना है, न ज़्यादा गाढ़ा करना है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसमें एक घोल बनाएंगे। तो ये देखिए अच्छे से एक घोल बनाना, गुठलियाँ नहीं पड़ना चाहिए। तो ये देखिए हमारा घोल रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप में। तो ये मैं ली हूँ ब्रेड। तो ब्रेड को हम, आप कोई सा भी ब्रेड ले सकते हो, ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड। तो ये मैं 4 ब्रेड ली हूँ इसके। अब इसमें हम जो पेस्ट है सब्जी का, उसे लगाएंगे हम अच्छे से चारों तरफ से, थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे। तो ये देखिए मैं अच्छे से लगा दी हूँ चारों तरफ से। आप इसमें चीज़ भी कर सकते हो, चीज़ भी डाल सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। मैं भूल गई डालने के लिए, तो मैं बता रही हूँ इसलिए आपको। तो ये मैं सारे ऐसे बना लूँगी, और इसे हम क्या करेंगे, कट कर देंगे 4 पीस में। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, या कट कर लो आप। तो ये मैं 4 पीस में कट कर ली हूँ। अब इसको हम क्या करेंगे, जो बेसन का घोल है उसमें हम डिप करके इसे फ्राई करेंगे। तो हमारा तेल गरम हो गया, तो फ्रेंड हमें ज़्यादा कम, मतलब ज़्यादा मीडियम तेल होना चाहिए। अगर कम होगा तो उसमें तेल बहुत ज़्यादा सूखेगा, तो इसलिए हमें मीडियम तेल करना है, ना कम हो ना ज़्यादा हो। तो ये देखिए मैं डाल दी हूँ, और इन्हें हम पलट देंगे गोल्डन होने के तक। तो ये देखिए मैं पलट दी, और इसे अच्छे से हम सुनहरे होने तक भुनेंगे, फ्राई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हो गया है हमारा। अब हम इन्हें निकाल लेंगे, तो टिश्यू पेपर के ऊपर निकालेंगे, जिससे एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाए। तो ये देखिए मैं सारे निकाल लूँगी, और ऐसे ही मैं सारे फ्राई कर लूँगी। तो ये और 4 मैं डाली हूँ, कढ़ाई में जितने आए उतने ही डालो, ज़्यादा नहीं डालो कि फिर फ्राई करते। तो फ्रेंड ये देखिए मेरे बड़े रेडी हैं। तो ओके फ्रेंड्स।